सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल लेटेस्ट ज्ञान को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस दिवाली प्लान कर रहे हैं कि एक रेफ्रिजरेटर लेने के लिए यानी कि फ्रिज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिकॉज जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने लीटर का फ्रिज लेना चाहिए, 200 का, 300 का, 350 लीटर का, और डबल डोर, सिंगल डोर या फिर मल्टी फैसिलिटीज वाला फ्रिज लेना चाहिए, कितना बड़ा लेना चाहिए। एक्चुअली ये सब चीजें इसलिए डिपेंड करती हैं कि कैटेगरी के हिसाब से उसकी प्राइस रेंज वेरी करती है। अब आपका बजट कितना है उस हिसाब से, आपकी फैमिली में लोग कितने हैं इस हिसाब से आपको फ्रिज लेना चाहिए, बिकॉज ज्यादा बड़ा लेके आपका कोई यूज नहीं आ रहा है, आप स्पेस घेर रहे हैं, आपने पैसे भी खर्च कर दिए तो सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे उसमें। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और ये जरूर जानना चाहिए कोई भी चीज लेने से पहले, यानी फ्रिज या टीवी कुछ भी लेने से पहले, कि आपको बेसिक नॉलेज इस बात की है जो चीज आप लेने जा रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फ्रिज लेना चाहिए, बिकॉज शॉप पे जाने के बाद काफी सारी वैरायटीज देखने के बाद हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये फ्रिज हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। और फ्रेंड्स, आप जो भी फ्रिज लें सबसे पहले ये चेक करें आप किस कंपनी का लेंगे, बिकॉज हर कंपनी की सर्विसेज आपके एरिया में अच्छी नहीं होती है। जिस कंपनी की सर्विसेज आपके एरिया में ज्यादा अच्छी है आप उसी कंपनी का फ्रिज लें। रेफ्रिजरेटर लगभग 100 ईयर से हमारे काम आ रहे हैं हमारी घरेलू चीज़ों को ठंडा करने के लिए। पहले ये आइस बॉक्स के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे इनकी एफिशिएंसी, साइज और फीचर्स बढ़ रहे हैं अब ये फ्रिज के नाम से जाने जाते हैं। जब भी आप फ्रिज लेने जाएंगे तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखें, जैसे कि आपके घर में कितनी स्पेस अवेलेबल है, आप कितने लोग हो जो रेफ्रिजरेटर को यूज़ करोगे, उसका फ्रीज़र आप कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे, रेफ्रिजरेटर को सर्व करने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करेंगे, आप एक रेफ्रिजरेटर पे कितना खर्च करना चाहते हो और कितने एडिशनल फीचर्स आप उसमें चाहते हो या फिर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर आप चाहते हो, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप रेफ्रिजरेटर को खरीदने का प्लान बनाएं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, जैसे कि कैपेसिटी, फ्रिजर की कितना सामान आप रख सकते हैं, शेल्स, उसमें कितनी शेल्स दी हुई हैं आपको सामान रखने के लिए, फ्रीज़र सेक्शन उसका ऊपर है, नीचे है या कैसे है, एनर्जी रेटिंग क्या है, यानी कि ये 1 से 5 के बीच में स्टार रेटिंग है तो उसकी स्टार रेटिंग कितनी है, 2 है 3 है 4 है 5 है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतना ही कम एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा। टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम काम कर सकता है और मिनिमम पे काम कर सकता है, जनरली -18 डिग्री सेल्सियस तक आपका खाना ये ठंडा रख सकते हैं और 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्क करते हैं। इसमें कितने डोर्स होते हैं, बिकॉज डोर्स के साथ साथ इनकी कॉस्टिंग भी चेंज हो जाती है, जितने ज़्यादा डोर्स होते हैं उतनी कॉस्टिंग होती है, बिकॉज डोर्स जो हैं अलग अलग कंपार्टमेंट को डिवाइड करने में काम करते हैं, जैसे कि फ्रीज़र, ट्रे, अदर्स। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर साइज़ और वॉल्यूम की। साइज़ मतलब कितने बड़ा है, वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि इसमें 4 साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। स्मॉल जो है 50 से 250 लीटर के लिए होता है, ये कोई फैमिली है 2 लोगों की, यानी कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ और 1-2 बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी सुटेबल है। मीडियम साइज़ आते हैं 250 से 350 लीटर के, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं तो ये सुटेबल है उस साइज़ के लिए। लार्ज साइज उसके लिए आता है 350 से 650 लीटर में। अगर आपकी कंबाइंड फैमिली है, चाचा, ताऊ वगैरह साथ में रहते हैं और बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो उन इतनी बड़ी फैमिली के लिए ये लार्ज साइज़ काफ़ी सुटेबल रहता है। लास्ट आता है आपका एक्स्ट्रा लार्ज, ये ऑफिसेज वगैरह के लिए होता है जहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, 8 से 10 लोग होते हैं, 15-20 लोग भी होते हैं, ये 650 से 800 लीटर के लिए होता है। इसके साथ साथ इनकी कुछ कैपेसिटीज़ भी आती हैं फीचर्स में, जैसे कि जो आपका नॉर्मल होता है 50 से 200 लीटर वाला, उसमें सिंगल डोर होता है, डायरेक्ट कूल होता है और डायरेक्ट कूल होता है, फ्रीज़र होता है, वायर शेल्स होती हैं, वेजिटेबल ट्रे, नॉर्मल फंक्शंस उसके अंदर सारे होते हैं। लेकिन उससे ऊपर जो आता है आपका मीडियम साइज़ का, उसके अंदर डबल डोर भी मिलता है आपको, बॉटम फ्रीज़र मिलता है, डिओड्राइज़र मिलता है, एग ट्रे मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। एडिशनल फीचर्स आपके उसमें और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो आपका लार्ज आता है, उसमें आइस डिस्पेंसर, ग्लास शेल्स, डिजिटल डिस्प्ले भी आपको ईजिली मिल जाता है। जो आपका सबसे बड़ा वाला आता है
उसके अंदर आपको ट्विन कूलिंग तक मिल सकती है, वाइन रैक मिल जाएगी, डोर अलार्म मिल जाएगा, डिजिटल मल्टी सेंसर, ये सब एडेड फीचर्स हैं जो आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से और फ्रिज के साइज़ के हिसाब से वेरी करते हैं। और इनकी जो एनुअल इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है वो आपको मैं बता देता हूँ, 240 यूनिट्स अगर आप साल भर तक चलाते हैं लगातार तो स्मॉल वाला आपका 240 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। इसे ऊपर जो मीडियम है 325 यूनिट्स कंज्यूम करेगा एक साल में, और 450 यूनिट कंज्यूम करेगा आपका लार्ज वाला, और 500 यूनिट कंज्यूम करेगा आपका एक्स्ट्रा लार्ज। यानी कि जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता जाएगा, एडिट फीचर्स बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका कंजम्पशन कितना है, कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, उस हिसाब से आप फ्रिज को चूज़ करिए, बिकॉज बड़ा फ्रिज लेने पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। प्राइस रेंज की बात करें तो स्मॉल साइज़ आपका 4 से 14 के बीच में आराम से मिल जाएगा अच्छा, और इस मीडियम आपको 14,000 से 22,000 के बीच में मिलेगा, और इससे ऊपर जो लार्ज वाला है उसको स्टार्टिंग 22,000 से होगी, लगभग 60,000 तक पहुंचेगा, और जो एक्स्ट्रा लार्ज है जो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का होता है बड़ी ऑफिसेज वगैरह के लिए, वो 60,000 से 2,00,000 तक आते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली यूज़ में नहीं आते, लेकिन जो बड़े ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर मॉडल्स की। सबसे पहले स्मॉल 50 से 200 लीटर, इसके अंदर दो मॉडल्स आते हैं, सिंगल डोर कॉम्पैक्ट जो 80 से 100 लीटर के बीच में होता है, और सिंगल डोर 150 से 220 लीटर में। जो कॉम्पैक्ट वाला होता है वो लगभग बैचलर्स या वेरी स्मॉल फैमिलीज होती हैं उनके लिए काफ़ी सुटेबल रहता है, और काफ़ी कम स्पेस घेरता है, इकोनॉमिकल है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। सिंगल डोर जो आता है 150 से 200 लीटर, वो स्मॉल साइज़ या 2 से 3 लोग होते हैं फैमिली के लिए, उनके लिए काफ़ी सुटेबल है। वेजिटेबल ट्रे होती है, फ्रीजर होता है इसके अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी कम कंज्यूम करता है ये। इसके बाद हम देखते हैं मीडियम में भी दो आते हैं, डबल डोर टॉप फ्रीज़र, डबल डोर बॉटम फ्रीज़र। बॉटम फ्रीज़र वाला साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन फ्रीज़र सेक्शन उसका थोड़ा छोटा होता है, और ये लुक वाइज थोड़ा अच्छा लगता है, और सेपरेट टेम्परेचर कंट्रोल होता है फ्रीज़र के लिए इसके अंदर, तो आप जब झुक के इसके अंदर बार बार फ्रीज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आपका डबल डोर टॉप फ्रीज़र जो होता है उसमें आपको नीचे से सामान निकालने के लिए बार बार झुकना पड़ता है, और ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं दोनों के दोनों, बिकॉज दोनों की रेटिंग एक जैसी होती हैं, इनबिल्ट आइस ट्रेज भी दोनों में होती हैं। इसके बाद आते हैं डबल डोर साइड बाई साइड, फ्रेंच डोर और मल्टी डोर। डबल डोर साइड बाई साइड 220 से 250 लीटर के बीच में आता है, ये लार्ज जो फ्रीजर्स होते हैं उनमें आता है, थोड़ा लार्ज फैमिलीज़ होती हैं, 3-4 से 5 लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सुटेबल रहता है, एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें दिए होते हैं। फ्रेंच डोर आपका लुक काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी शेल्फ्स होती हैं उसकी तरीके से, और थोड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लिए भी, यानी कि वही 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। इसके अलावा आता है आपका एक्स्ट्रा लार्ज 660 से 800 लीटर, ये काफ़ी बड़ा होता है, और ये बड़े ऑफिसेस के लिए काफ़ी सुटेबल रहता है, इसमें काफ़ी बड़े फंक्शंस दिए होते हैं, साइड से पानी निकालने का ऑप्शंस भी दिए होते हैं, वेरी लार्ज फैमिलीज़ या फिर बड़े ऑफिसेस के लिए बहुत सुटेबल है, इसमें वाइन ट्रैक वगैरह के ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिए होते हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ एसेसरीज़ की। रेफ्रिजरेटर की एसेसरीज़ में सबसे पहले आता है वोल्टेज स्टेबलाइज़र। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज लाइट्स में यानी इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं, उन फ्लक्चुएशन से अपने रेफ्रिजरेटर को बचाने के लिए हमें इस स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये 4,000 से 14,000 तक किसी भी रेटिंग का आ सकता है, जितनी आप कैपेसिटी का लोगे उतनी ही इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। सेकंड थिंग है रेफ्रिजरेटर स्टैंड। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम फ्रिज को डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं रख सकते, बिकॉज इसका बैक पोर्शन तो नीचे होता है लेकिन फ्रंट पोर्शन में लैग्स दिए होते हैं, इसलिए हमें इसको रखने के लिए आपको एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको सेफ़ रखता है। थर्ड थिंग की ज़रूरत पड़ती है एयर टाइट रेफ्रिजरेटर बॉक्सेस, जिसमें हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह काफ़ी फ्रेश रहते हैं। आइस ट्रेज जिसमें हमें अपनी बर्फ़ को जमाना है, पानी इसके अंदर रखेंगे और फ्रीजर में रखेंगे तो बर्फ़ हमारी जम जाएगी। एयर टाइट स्टोरेज बॉटल्स, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज हम अगर स्टोरेज बॉटल्स को एयर टाइट नहीं लेंगे तो उनका पानी लीक कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज गंदा हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी रेटिंग्स की। मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतना ही कम कंजप्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। 1 स्टार ज़्यादा कंजप्शन करेगा, 4 स्टार ज़्यादा और कम कंजप्शन करेगा, और 5 स्टार सबसे कम कंजप्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ये हमारे उसके लीटर पे भी डिपेंड है वो कितनी पावर का है। पीछे जो स्टिकर लगा होता है उस पर लिखा होता है कि एक साल में वो टोटल कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा।
आइए डिटेल में देखते हैं कि कितने स्टार का कितना एनर्जी कंजप्शन करेगा। अगर आपका 200 लीटर का फ्रिज है तो एक साल में वो 250 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा अगर 1 स्टार है तो, और वहीं पर अगर वो 4 स्टार है तो कम से कम 200 यूनिट्स को खर्च करेगा, यानी 50 यूनिट्स का आपको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। उसी हिसाब से आपका डबल डोर है यानी 300 लीटर का है, 4 स्टार है तो 250 यूनिट्स खर्च करेगा, और अगर 1 स्टार है तो 445 यूनिट्स, यानी कि ये इसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय।